हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की सेकंड इकाई जिसका नाम है ईदगाह, तो ईदगाह का आज अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़े उपन्यासकार, उन्होंने अनेकों कहानियाँ लिखी है। गोदान नाम की कहानी तो उनकी टीवी पर भी सीरियल आ रही थी, आपने देखी होगी। तो ऐसे महान उपन्यासकार प्रेमचंद की ईदगाह नाम की कहानी को आज हम अभ्यास करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो येलो बॉक्स दिया हुआ है उसमें प्रेमचंद के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके उन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन के कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं उसकी डिटेल में विगत दी गई है, उनका जन्म, उनका निधन। ओके, तो आपको ये साइलेंट रीडिंग में 2 से 3 बार उसका पठन करना है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपन्यास से उर्दू में लिखते थे और बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। शुरुआत में वो उर्दू भाषा में लिखते थे और तब उनका नाम क्या था, नवाब राय। वो नवाब राय छोटे से नाम से वो जाने जाते थे और बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया, तो इस हिंदी भाषा में उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद कर दिया। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। उन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण की थी लेकिन तब के समय की SSC पास की थी और उनके बाद उन्हें नौकरी भी मिली टीचर की। लेकिन फिर क्या हुआ, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। मैंने बताया था ना कि उनकी एक सीरियल आ रही थी गोदान, तो ये गोदान ये प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं को संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। प्रेमचंद जो भी भाषा में लिखते थे, वो उनकी भाषा में जो भी वर्ड का प्रयोग करते थे वो सब हमारी बोलचाल की, लेकिन हम इजीली समझ सके वैसे ही शब्द वो यूज़ करते थे। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नाटक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता का प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। ये जो तीसरा पैराग्राफ है वो हमारी ईदगाह की कहानी है, जो यहाँ पे शॉर्ट में दी गई है, जो आज हमें पढ़नी है। ओके, पढ़कर समझनी है। तो देखिए, आप चित्र देख सकते हैं ईदगाह का, है ना, पाछड़ मस्जिद है, मुसलमान लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं। इसका मतलब है आज कोई त्यौहार है, तो कौन सा त्यौहार है, मुसलमान लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद, तो ईद के त्यौहार के बारे में ये कहानी है। तो कहानी को पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम उसका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। ओके, तो चले देखते हैं वीडियो उसका। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए
तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयां, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई, इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। यहां कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं।
हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन, वाह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चौगा नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयां आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियां निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? हामिद आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़किया न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़किया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की।
तो यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दे, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने तीन पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे, तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए, मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। मियां नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थीं।